आज के वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल्स आज हम लोग इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल इसके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल को डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल मतलब होता है गुणक। एंड मल्टीपल ऑफ अ नंबर होता है किसी नंबर का या उस नंबर का गुणक कौन कौन है सो व्हाट इज़ मल्टीपल ऑफ अ नंबर मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर ऑल द नंबर्स दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर एंड एनी अदर इंटीजर किसी भी नंबर का मल्टीपल वो सारा नंबर होता है जो उस नंबर का प्रोडक्ट हो यानी कि जिस नंबर का मल्टीपल निकालना है उसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रोडक्ट आ जाता है और यही प्रोडक्ट जो है आंसर में जो आता है यही हो गया मल्टीपल ऑफ़ दैट नंबर एग्ज़ाम्पल नंबर वन राइट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ फोर सो लेट सॉल्व इट फोर इंटू वन इक्वल्स टू फोर फोर इंटू टू इक्वल्स टू एट फोर इंटू थ्री इक्स टू ट्वेल्व एंड फोर इंटू फोर इक्व टू सिक्सटीन तो फाइनल आंसर क्या है फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन आर द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ फोर फोर एक नंबर है उसका फर्स्ट फोर मल्टीपल चाहिए जो कि फ़ोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन है और एक बात ध्यान रखना कि वो सब नंबर्स उस नंबर से डिविज़िबल है यानि कि फ़ोर से डिविज़िबल है कौन कौन फ़ोर एट ट्व एंड सिक्सटीन मल्टीपल किसका निकालना था फ़ोर का और आंसर क्या आया है फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन तो वो सारा का सारा जो है वही आंसर है अगर फोर से डिवाइड हो जाता है तो समझो कि आंसर एकदम सही है और वही सब जो है फ़ोर के मल्टीपल्स है। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर के लाइन में तो उसमें फोर इंटू वन इक्वल्स टू फोर फोर इंटू टू इक्वल्स टू एट फोर इंटू थ्री इक्ल्स टू ट्वेल्व एंड फोर इंटू फोर टू सिक्सटीन था सब में फ़ोर कंपलसरी है तो इसीलिए सारा नंबर का जो प्रोडक्ट आया है फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन सब के सब डिविजिबल होगा फोर से ही इस एग्जाम्पल के क्वेश्चन में फर्स्ट फोर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फोर को वन टू थ्री एंड फोर से मल्टीप्लाई किया गया है और नंबर्स की गिनती में वन सबसे पहले आता है फिर दो आता है फिर तीन और उसके बाद फोर तो इस तरह वन टू थ्री एंड फोर फर्स्ट फोर नंबर्स है ये तो हम सबको ही जानते हैं ना कि वन टू थ्री फोर फर्स्ट फोर नंबर्स है तो क्वेश्चन में ही पूछा रहा, जा रहा है कि राइट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ फोर तो फर्स्ट फोर मल्टीपल चाहिए फोर का तो इसलिए उसमें जो है फ़ोर इंटू वन इंटू टू फोर इंटू थ्री फोर इंटू फोर किया गया है साथ ही फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन ये सभी नंबर्स फोर के प्रोडक्ट्स भी हैं जैसा कि एग्जांपल वन में बताया गया है एग्जाम्पल वन में हम लोग किए थे ना मल्टीप्लाई तो उसी से समझ में आ जाता है कि ये सब फोर के प्रोडक्ट्स हैं तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया कि राइट द फर्स्ट फोर फाइव सिक्स मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर तो फिर उसका आंसर इन दो लाइन में ही होगा इतना सारा जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो सब मल्टीपल्स को समझाने के लिए था अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स को डिस्कस करते हैं मतलब कि गुणक के गुण सेवन इंटू वन इक्वल्स टू सेवन तो सेवन इज अ मल्टीपल ऑफ वन इस एग्ज़ाम्पल में सेवन को वन से मल्टीप्लाई किया गया है और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सेवन ही है इसके बाद वाले को देखते हैं नाइनटीन इंटू वन इक्वल्स टू नाइनटीन देफो नाइनटीन इज अ मल्टीपल ऑफ वन यहाँ पे भी सेम है कि नाइनटीन को वन से मल्टीप्लाई किया गया है सेवन और नाइनटीन एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है दोनों ही सेंटेंस में सेवन इज़ अ मल्टीपल ऑफ वन एंड एट द सेम टाइम नाइन्टीन इज़ अ मल्टीपल ऑफ़ वन लिखा गया है ए इसलिए लिखा गया है क्योंकि नाइनटीन और सेवन के केवल एक ही मल्टीपल है वो है वन और किसी भी चीज़ का अगर गुना करते हैं तो उसमें सेवन नहीं आ सकता है जैसे कि सिक्स है उसको अगर अगर हम लोग थ्री इंटू टू करते हैं तो आ जाता है सिक्स थ्री इंटू टू इक्वल्स टू सिक्स दूसरा नंबर है ना थ्री और टू भी और उससे लाना है सिक्स तो आ गया बट सेवन को हम लोग इस तरह किसी दूसरे नंबर से नहीं ला सकते हैं सेवन और नाइनटीन में सिर्फ और सिर्फ वन को मल्टीप्लाई करने से ही उसका मल्टीपल मिलेगा और उसका मल्टीपल है वन जैसे फोर का मल्टीपल कितना सारा था ना फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन और भी हो सकता है ट्वेंटी भी बट यहाँ पे सिर्फ एक ही मल्टीपल है और वो है वन साथ ही सेवन और नाइन्टी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो अगर डिवाइड भी होगा तो सिर्फ़ वन से किसी और नंबर से वो कटेगा ही नहीं रिमाइंडर ज़ीरो होना है ना रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए तभी वो मल्टीपल बनेगा तो इसमें तो अगर हम डिवाइड करते हैं सेवन को किसी और नंबर से चलिए दो से करते हैं तो रिमाइंडर वन बच जाता है इसका मतलब वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है वो सिर्फ वन से ही डिवाइड होगा उसका सिर्फ़ एक ही मल्टीपल है वन तो आज की वीडियो में बस इतना ही सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग